सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है तो ये फिल्म एक एक्शन मूवी है और बहुत ज़्यादा एक्शन है इसमें, लोगों को दबंग नज़र आएगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं भाग मिल्खा भाग नज़र आएगा। बहुत सारी फिल्में हैं जो कि आपको नज़र आएगी कि हाँ खेसारी किया गया है। तो एक आग है इस फिल्म के अंदर और मैं कहानी अभी आप सबको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जब तक कहानी पेपर पे बनती है तब मैं आपको डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा कि सबका अपना सीक्रेट चीज़ें होती है और सीक्रेट चीज़ों को मेरा बोलना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज पे होगी उस समय मैं ज़रूर आप सबसे मिलूँगा और ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा जी क्या हम करके आए। थोड़ा सा किरदार के बारे में अगर आपके जानना चाहें तो थोड़ा सा ब्रीफ करें अपने किरदार के बारे में, किस प्रकार का कुछ अलग किरदार होगा इस फिल्म में? बिल्कुल, ये किरदार आप हैं, मैं हूँ, पूरी धरती है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं। उस किरदार में हर आदमी अपने आप को फिट कर सकता है। एक लसार आदमी अपने आप को अपने उसके अंदर, देखिए हमारे अंदर ताकत तो बहुत होती है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ मजबूरियां होती है कि उस ताकत का इस्तेमाल होता है। वैसा ही चीज़ है कि ये गरीब बच्चा कैसे अपने आप को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चीज़ें इसमें है। आपके अलावा और किस किस कौन से बस मैं और अवधेश मिश्रा तो हैं, इतना तो पक्का है मुझे, बाकी चीज़ों के बारे में मुझे ये चीज़ पता नहीं है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद आपको बता देंगे ये कौन क्या कर रहा है इसमें। सूत्रों से जानकारी मिली है कि काजल भी है इसमें, इस फिल्म में काजल राघवानी, तो ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताएंगे क्योंकि मुझे अभी तक ध्यान है कि मैं और अवधेश जी हैं, इसके अलावा मुझे कोई खबर नहीं है कि इसमें कौन कौन है। खेसारी की बात करें तो 2 साल से लेकर 70 साल तक बूढ़े तक भी खेसारी को पसंद करते हैं, क्या ऐसी खास बात है खेसारी में, कौन से चक्की का आटा खाते हैं? नहीं, खास बात नहीं है, ये उनका प्यार है और हम कोई खास नहीं है, हम उनके ही बनाए हुए पुतले हैं जिस पुतले से वो प्यार करते हैं। एक इंसान की बनाई हुई मूर्ति होती है जो दुर्गा माँ की भी होती है, एक सरस्वती की मंदिर होती है, गणेश जी की भी मूर्ति होती है, एक इंसान ही बनाता है लेकिन हम उसमें आस्था घूमने लगते हैं। तो उनका आस्था मेरे प्रति ये है कि मेरा मनोरंजन अच्छा कराता है खेसारी, और कहीं ना कहीं मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे बुजुर्गों का आस्था है, उनका विश्वास है, उस विश्वास का नाम खेसारी लाल यादव है, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। खेसारी जी आपने फिल्में बहुत की और किरदार भी बहुत अलग अलग किए, अब तक की अगर फिल्मों की बात करें किरदार की बात करें तो कौन सा ऐसा फिल्म और किरदार था जो आपके लिए चैलेंज था? मेहंदी लगा के रखना और सेहरा जो भी मैं करके आया, क्योंकि देखिए बहुत सारी फिल्मों में हम एक्टिंग करते हैं लेकिन जब रियल करना पड़ता है तो हमारी फटना शुरू हो जाती है। रियल जिंदगी में जब जीना, देखिए पर्दे के सामने ऐसे हम बोल आप रहे हैं, आपसे बोल जरूर रहे हैं लेकिन जब रियल जिंदगी में जीना पड़ता है ना तो बड़ा कठिन होता है, उसको पर्दे पर उतारना है, वहाँ आपको ना डायलॉग मुंह बना के बोलना है ना आपको एक्टिंग करनी है। तो डायलॉग तो मिला है क्योंकि आप जब अपने रियल जिंदगी में बोलते हैं तो वहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो आप धर कुछ भी बोलते हैं जो आपके मन में आता है, और वही चीज़ अगर आपको फिर बोला जाएगा कि आप कैमरे के सामने बोलिए तो स्थिति तो दयनीय हो जाएगी आपकी। तो यही चीज़ें दोनों फिल्मों में हुआ हमारा, और हम लोग की सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ तो रियल एक्टिंग करने में होता है क्योंकि देखिए रील में रियल करना बहुत कठिन है, हम रियल ज़िंदगी जीते हैं तो वहाँ कैमरा नहीं होता, वहाँ कोई डायरेक्टर और कोई प्रोड्यूसर और कोई म्यूजिक और कुछ नहीं होता है, हम अपने मन से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और जब यही ज़िंदगी आपको पर्दे पर उतारनी पड़ती है तो कठिन होता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभी मिलता है ये सब करने का। अभी सिनेमा का स्क्रिप्ट तो मैंने देखा है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रियल मुझे लगी, हाँ यार ये रियल है, इसको करना चाहिए। तब जब तक मुझे नहीं लगता है ना कि ये हमारे घर में नहीं होता, हमारे गाँव में नहीं होता, हमारे देश में नहीं होता, तब तक मैं उस सिनेमा साइन नहीं करता। मैं सिनेमा वही साइन करता हूँ जो मेरे गरीबी से उठा हो, जो मेरे गरीबों के लिए हो, जो मेरे अपने लोगों के लिए हो, जो मेरे बिहार रूपी के लोग जो जिंदगी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे मैं उसा ही सिनेमा साइन करता हूँ जिससे हमारे पब्लिक को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और वो अपने आप को उस रास्ते पर ना ले जाए जिस रास्ते पर उसके जीवन के लिए कुछ ना रह जाए। तो आपके साथ बहुत सारी अभिनेत्रियाँ काम कर चुकी, दो लोगों का मैं नाम लूँगा, काजल राघवानी और अक्षरा सिंह, तो इनमें अगर बात करें इन दोनों हीरोइनों में तो दो दो खास बातें क्या आपको अच्छी लगती है? अगर सबसे पहले काजल राघवानी की बात करें, दोनों अद्भुत एक्टर हैं, दोनों अद्भुत डांसर हैं, दोनों के अच्छे नेचर हैं,
अक्षरा सिंह और काजल रघवानी ने अपने दम पे अपने जीवन को चलाया है, उनको उनके लिए बोलना मेरे लिए, क्योंकि देखिए वो दोनों में काजल शायद मेरे से, हाँ मेरी साजन चले ससुराल रिलीज हुई थी और उनकी भी कोई फिल्म, तो हमारी दोनों की शुरुआत एक ही आसपास हुई थी, 6 महीना ऊपर नीचा। लेकिन अक्षरा जी मेरी सीनियर है, अक्षरा जी पहले इंडस्ट्री में आई थी और मेरे आने से पहले उन्होंने 4 से 5-6 फिल्में कर चुकी थी, तो उनके साथ मैंने जितना दिन भी काम किया कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखने को मिला। और अद्भुत एक्टर हैं वो, अद्भुत डांसर हैं, ईश्वर ने खूबसूरत बनाया है उनको, और मेरी दुआएं हैं अक्षरा जी के लिए, जी अक्षरा जी और अच्छा जिसे कर रही हैं वैसे ही करते रहें और पूरी दुनिया उनके कदम चुनती रहे और उनके हर उस अदा पे दुनिया कायल हो जाए और उनके ऐसे ही 4 चांद लगते रहें उनके जीवन में, उनके करियर में, उनके हर उस चीज़ में, लोगों की दुआएं भरी रहें, लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या बोले